हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपके गन्ने में थ्रिप्स का अटैक हो गया है, मतलब दोस्तों जो आपका गन्ना है उसका जो मेन गोफ है ये पीला पड़ गया है, तो इससे हम अपने गन्ने को कैसे बचा सकते हैं, थ्रिप्स से कैसे अपने गन्ने को हम कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, किन दवाओं का हमें स्प्रे लगाना है, कैसे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं किसान भाइयों। इसी के साथ में हम यह भी जानेंगे कि जो थ्रिप्स होते हैं ये किस प्रकार के गन्ने में अपना अटैक ज़्यादा करते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं दोस्तों। इन सब की डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो इसके लिए दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके और आप अपने गन्ने की फसल को बचा पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन 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 दोस्तों उससे पहले आप लोगों से हमारा एक निवेदन है कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आप सभी को लोगों के लिए हम एक सही जानकारी लाने के लिए कैसे कैसे जगहों में खेतों में जा करके वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के बीच में लेके आते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लें, इससे आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जय वर्मा, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि प्रधान भारत। दोस्तों इस समय हमारे किसान भाइयों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि जो उनके गन्ने हैं इनकी जो मेन गोफ है किसान भाइयों ये पीली पड़ जा रही है, और इनको पीला देख करके हमारे किसान भाई ऐसा समझ रहे हैं कि हमारे खेत में पोका बोइंग का अटैक हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं किसान भाइयों। पोका बोइंग का जो अटैक होता है किसान भाइयों उसका दूसरा रूप है, आप हमारे चैनल पर जा करके उसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं। किसान भाइयों यदि आपके इस समय जो गन्ने हैं इनके जो मेन गोफ हैं किसान भाइयों यदि आपके ये पीले पड़ रहे हैं तो आप लोगों को सतर्क होना है। क्या करना है कि आपको अपने खेत में जाना है और देखना है, किसान भाइयों ये देख रहे हैं जो मेन गोफ है आपको इसे चीड़ करके मतलब ऐसे फैला करके देखना है कि किसान भाइयों इसके अंदर जो छोटी थ्रिप्स होती हैं काली कलर की इनका अटैक तो नहीं हो गया है। किसान भाइयों जब आप इस प्रकार से अपनी पत्ती को खोलेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि थ्रिप्स छोटे छोटे बहुत ही महीन होते हैं किसान भाइयों, ये इसके अंदर बैठे होते हैं। किसान भाइयों ये गन्ने की मेन गोफ को ज़्यादा ही अटैक करते हैं क्योंकि दोस्तों ये नरम चीज़ों को खोजते हैं और अंधेरा खोजते हैं। किसान भाइयों ये जो थ्रिप्स होते हैं ये धूप से जो सूर्य के प्रकाश होते हैं इनसे इनका बिल्कुल चिढ़ होता है। जैसे ही आपको इस समय खोलेंगे किसान भाइयों ये भागने लगेंगे, इधर उधर छुपने लगेंगे। दोस्तों ये जो होता है सुबह शाम में और पूरी रात में गन्ने के खेत में उनकी जो गोप होते हैं उनमें अपना ज़्यादा अटैक करते हैं। दिन के समय किसान भाइयों ये इसी में छिप करके बैठे रहते हैं, तो हमारे किसान भाई दिन में तो जाते हैं लेकिन वो पत्तियाँ खोल करके देखते नहीं, उनको कीड़े दिखाई नहीं देते, उससे वो समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने खेत में जाना है और पत्तियों को निकाल करके देखना है। यदि दोस्तों उसमें इस प्रकार के छोटे छोटे कीड़े दिखाई दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है और इसकी रोकथाम के लिए आपको दवाओं का स्प्रे करना है। किसान भाइयों ये जो थ्रिप्स कीट होता है ये सकिंग पेस्ट जो कीट होता है, क्योंकि किसान भाइयों ये क्या करते हैं कि ये हमारे गन्ने की रस को चूसते हैं, और किसान भाइयों जिसके कारण क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है यह कम हो जाती है और हमारी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। किसान भाइयों इसके दो तीन पहचान हैं, तो इसको आप कैसे पहचान सकते हैं चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों पहली पहचान तो हमारी ये हो गई कि इसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, या फिर दोस्तों कुछ स्थिति में जो इसके जो मेन गोप होते हैं ये पूरे तरीके से लाल हो जाते हैं, या फिर दोस्तों आप देखते हैं जो जंग होता है कोई चीज़ मुरचा खा जाता है तो उस प्रकार से हमारी पत्तियों पर ये दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये दो तीन तरीके हैं, आप इनसे पहचान सकते हैं कि हमारे फसल में थ्रिप्स का अटैक हो गया है। दोस्तों देखते ही देखते अगर आपके खेत में थ्रिप्स का अटैक होगा तो जो फसल होगी पूरे तरीके से रुक जाएगा, उसका पड़वार रुक जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे और किसान भाइयों आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों जो थ्रिप्स होते हैं ये किस प्रकार के गन्ने में अटैक करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। किसान भाइयों ये पौधा गन्ने में अपना बहुत ही ज़्यादा अटैक करते हैं, या फिर इसके साथ में किसान भाइयों पौधा गन्ने में जो लेट गन्ना बोया गया होता है किसान भाइयों जो नरम होता है वो उस पर अपना ज़्यादा अटैक करते हैं। तो जो किसान भाई हमारे गेहूँ काट करके गन्ने की बुआई किए थे किसान भाइयों उसमें ये अटैक ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। कुछ किसान भाइयों का ऐसा कहना था कि बारिश हो रही इससे धुल करके ये कीट खत्म हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप अपने खेत में जा करके बिल्कुल देखिएगा ये खत्म नहीं हुए हैं, और तीन चार बारिश भी आ चुकी है लेकिन ये गए नहीं है। किसान भाइयों ये बहुत ही जिद्दी कीट होते हैं। किसान भाइयों कुछ किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि जब गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने की बुआई करते समय पिप्रोनिल का प्रयोग किए थे, तो उनका ऐसा कहना है कि ये इससे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि विप्रोनिल से ख़त्म हो जाएंगे तो बिल्कुल नहीं ख़त्म होंगे। इसके लिए दोस्तों आपको
अपने खेत में स्प्रे लगाना ही लगाना है। और किसान भाइयों, स्प्रे लगाते समय आपको उन्हीं दवाओं का प्रयोग करना है जो सिस्टेमिक तरीके से काम करते हैं मतलब किसान भाइयों हमारे गन्ने में। किसान भाइयों, जो कॉन्टैक्ट में ये क्या होता है कि अगर कॉन्टैक्ट वाले जो दवा है अगर आप उसका प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, तो ये इसके मेन गोफ के अंदर बैठे होते हैं, तो इसके कारण किसान भाइयों मेन गोफ के अंदर बैठने होने के कारण ये अंदर तक दवा नहीं जा पाती है, तो ये इसको मार नहीं पाती हैं। लेकिन दोस्तों, जो सिस्टेमिक तरीके से दवा हमारी काम करती है तो इसके पूरे सिस्टम में जा करके और जब ये इसके रस को चूसते हैं तो ये मर जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना है कि जब आप अपने खेत में इसका स्प्रे लगाएं तो पूरे तरीके से गन्ना को भिगोने का काम करें, इसकी जो पत्तियां हैं पूरी तरीके से भीग जाए, जिससे किसान भाइयों ये पूरे सिस्टम में फैल जाए। तो यहीं पर दोस्तों चलिए कुछ दवाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे किसान भाई किस प्रकार की दवाओं का प्रयोग करें जिससे इनका अटैक कर सकें। तो पहला ध्यान तो आपको ये रखना है किसान भाइयों को, आपको वो दवा लेना है जो सिस्टेमिक तरीके से काम करे, उसी दवा का स्प्रे आपके अपने खेत में लगाना है। इसमें किसान भाइयों आप विप्रोनिल भी ले सकते हैं, इसी के साथ में आप इमीडा क्लोरोपीड का भी अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। ये किसान भाइयों जो दवाएं हैं ये सिस्टेमिक तरीके से काम करती हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि जो 20 लीटर की टंकी आती है इसमें हैवी डोज लगाना है। तो मतलब किसान भाइयों 60 से 70 ml तक आपको अपने खेत में जो मैं जिन दवाओं को बता रहा हूं और आपको दवाओं उसके बारे में बताऊंगा, तो इसको 60 से 70 ml अपने 20 लीटर की टंकी में मिला करके प्रयोग करना है। अगर आपके खेत में इनका अटैक कम है तो 50 ml भी किसान भाइयों आप इस दवा को लेकर के अपने गन्ना के खेत में उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में किसान भाइयों आप अपने गन्ना के खेत में प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथिन इसका भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर क्लोरोसाइपर। किसान भाइयों, मैंने जो 4-5 दवाओं का नाम बताया है आप इनमें से किसी भी दवा को लेकर के आप अपने गन्ना की फसल में उपयोग कर सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। हैवी डोज लगाइएगा दोस्तों, 20 लीटर की टंकी में 60 से 70 ml लगाइएगा। यदि अटैक कम है तो 50 ml भी किसान भाइयों आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये रही आज की जानकारी थ्रिप्स के बारे में और हमें आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो किसान भाइयों, यदि आपके गन्ने के खेत में इस प्रकार से दिक्कत है तो आप इसका उपयोग करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान हित में दोस्तों वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में आप अपना राय दे सकते हैं। किसान भाइयों, इसी प्रकार से नई नई जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन करिए, इससे आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।